नमस्ते अंकल, आपका नाम बताएंगे हमारी जनता को? मेरा नाम गंगाराम शिंदे। गंगाराम शिंदे, अच्छा अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप यहाँ पे प्यून का नौकरी करते हैं बीएस कॉलेज में, तो आप कितने साल से कर रहे हो ये काम? मैं 26 साल। तो इतने लंबे समय तक ऐसा क्या था इस काम में जिसने आपको इधर जुड़े रखा? मेरे को इधर अच्छा लगा, मैं पहला फर्स्ट टाइम आया तो तभी से मेरे को अच्छा लगा इधर। अच्छा, अभी जैसे कि अभी आपका पूरा दिन गुजरता है स्टूडेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, आज की नई पीढ़ी के बीच में, तो ऐसा कुछ समस्या फेस करनी पड़ती है आपको कि मान सम्मान नहीं मिलता है? कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे ऐसे मिल गए होंगे? कभी कभी मिलते हैं, कोई कोई बच्चे, सब नहीं मिलते। अच्छा, तो अभी जैसे कि आपने बोला कि आप 26 साल से ये काम कर रहे हो, उससे पहले आप क्या करते थे? उसके पहला मैं होटल में काम करती थी। होटल में काम करती थी, कहाँ पर? परेल में। अभी आप किधर रहते हो? अभी कल्याण। ठीक है, अभी जब भी आप पीछे मुड़ के देखते हो 26 साल में, तो आपको लगता है आपने कोई गलतियाँ की है जो अगर आपको मौका मिले तो आप उसे करेक्ट करना चाहो, उसे सुधारना चाहो? चाहता हूँ ना उसे। क्या है कुछ बताओ ना। उसको बोलता हूँ मैं, अच्छा ऐसा नहीं करने का, ये पढ़ाई करने के लिए ऐसा। बच्चों को बहुत समझाता हूँ। अच्छा, कॉलेज में ही? अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? मेरा फैमिली चार जन, दो बच्चे, मेरा बेबी और मैं। अच्छा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से कक्षा में? अभी पढ़ाई नहीं, अब लड़की का पढ़ाई हो गई, बेटा का हो रही है। अच्छा, किधर पढ़ता है वो बेटा? कॉलेज तो गांव में लगा है। गांव में लगा है। अच्छा, तो आपने आपने कहाँ तक की है खुद पढ़ाई? मेरा 9th तक। 9th तक किया है। तो अभी ये स्टूडेंट्स के बीच में रह के कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना एजुकेशन पूरा किया होता तो? ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी पुराना दिन था, पुराना मजबूरी था, उसके वजह से नहीं सीख पाया। अच्छा, तो अभी बच्चों को आप फुल पढ़ाते हो उसके वजह से? मेरे बच्चों को भी पढ़ा रहा। जैसे अभी आप इधर काम कर रहे हो प्यून का, ऐसे बहुत दूसरे कॉलेज में भी कोई रहेगा प्यून का काम कर रहे हैं, या आपके आसपास ऐसे कोई काम कर रहे हैं हेल्पिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को संतोष नहीं होता है, या वो लोग नहीं अपने जीवन में उस चीज़ से खुश रह पाते, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? देता हूँ ना, क्या कुछ दे? अभी इधर वीडियो में बताइए ना। उनको देता हूँ, उनको बोलता हूँ ये सब आवाज देखो, अपना हम जॉब करने को आए तो जॉब के तरीके से जॉब से आना चाहिए, और उधर तू बोलेगा भाई मेरे को कल इधर ये अच्छा नहीं है, उसमें जगह जाएगा उससे ज़्यादा बुरा मिलेगा, ये मैं उनको समझ देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जीवन का कोई सबसे मुश्किल दौर होगा उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? आपने कैसे उससे सामना किया? परिवार का कुछ होगा, नौकरी को लेकर होगा, गाँव से इधर आए मुंबई, उसका कुछ होगा? गाँव से आया मैं, कभी बहुत सस्ता ही था। अच्छा, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। गाँव किधर है आपका? गाँव मेरा गाँव कुड़ा है। अच्छा, तो इधर मुंबई आने का यही रोजगार की वजह से आप आए थे मुंबई? तो मेरा कोई नहीं था इधर। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम मैं अकेला आया आपके घर में से। तो आपने कैसे अपना गुजारा? सीधा आया तो होटल गए। अच्छा, होटल में मैंने चार साल नौकरी किया। अच्छा, फिर आपने वो काम क्यों छोड़ा? उधर मेरे को बाद में प्रेस में मिला था। प्रेस में मिला? हाँ। अच्छा, प्रेस में मिलने के बाद वो भी यूनियन हो गया उधर, वो लोगों का मैं नहीं था उसमें। अच्छा, वो यूनियन हो गया तो वो बंद हो गया। ओके, उसके बाद मैं फिर वापस गोवा गया। गोवा जाने के बाद फिर वापस बॉम्बे आया। अच्छा, तो इधर आने के बाद इधर आया। तो ये काम आपको किस तरह मिला? जैसे आप बोले आपका इधर तो कोई था नहीं। इधर भी कोई नहीं था, ऐसे ही घूमते घूमते आया मैं, काम है क्या? अच्छा, तो आपने सिंह सर? हाँ, सुपरवाइजर थे इधर। यस, वहीं से मुलाकात हुई। अच्छा, उन्होंने बोला है जगह काम करेगा, झाड़ू तो मारना पड़ेगा। हाँ, मारेगा। हूँ बहुत स्पेशल करेगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसे अभी पिछली स्टोरी में भी हमने काफ़ी सुना है कि कोई काम छोटा नहीं होता, जैसे अभी संचिताई का भी स्टोरी निकाला था, वो भी यही बोलते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस काम करने काम का बड़ा सब बड़ा ही है, तजुर्बा बड़ा, छोटा एक भी नहीं है। हर एक जन को जो दिया है ना भगवान ने, वही काम सही है। एकदम अच्छी बात कही आपने। हरिवंश राय बच्चन जी की भी एक लाइन है, कभी कभी जीवन में अगर हमारी पसंद का हो तो अच्छा है, और हमारी पसंद का ना हो तो और भी अच्छा है। उसके लिए वो पढ़ाई का है सब। हाँ, पढ़ाई होएगा तो सब मिलेगा। नसीब लिखा है ऐसे वही, नसीब में नहीं लिखा है तो नहीं होएगा, तो होएगा नहीं होएगा। समय से पहले समय आना चाहिए, समय आएगा तो सब कुछ है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है, उससे पंगा भी लेने का नहीं। ये एक लाइन जो हाईलाइट होनी चाहिए कि समय और नसीब, इन दो चीजों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, पंगा नहीं लेना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
और कुछ आप खास बताना चाहोगे? कुछ भी आपको अगर याद आ रहा मैसेज जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कोई भी है, बहुत तरह की परेशानी वाले लोग होते हैं, उनके लिए अगर कुछ अच्छा संदेश है तो वो बताओ। उन्होंने भी यही सोचने का, पंगा किसी से लेने का नहीं, प्यार से नीचे दबा के काम करेगा तो उसका अच्छा होगा, ज़्यादा मतलब नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ये करना। बहुत अच्छी बात है, प्यार से जीवन, प्यार से जितना प्यार से जीवन जीतेगा ना उतना अच्छा है, झगड़ा करने से जीवन जलना मुश्किल है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये सबने खास याद रखनी चाहिए। हाँ। और इससे बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद आसान हो जाएगी, ये हम देख पा रहे हैं। और कुछ आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके काका। और जो हमारी जनता है ये वीडियो देख रही है, आप वो शख्स हो जिनको हम रोज देखते हैं, हमारे सारे कामों में आपकी वजह से बहुत हेल्प होती है, बहुत सहायता होती है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग आपको दिल से थैंक यू बोल पाते हैं। तो आज पूरे VES कॉलेज की तरफ से मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ, और बस ऐसे ही आप हमेशा हंसते रहना, और और हमेशा ही ऐसे हम बच्चों को प्यार से डांटते रहना, आईडी कार्ड पहनने को याद दिलाते रहना, डांटना भी चाहिए उतना प्यार से भी बोलना चाहिए। बेशक बेशक, एकदम सही कहा आपने। बस तो बस हम आपके उपकारी हैं, और थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, अपने समय निकाला इस वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू सो मच।